मायाज होम कुकिंग में आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे आज मायाज के किचन में बन रहे हैं ब्रोकली के पकौड़े जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं एक पाव ब्रोकली लेंगे हाफ कप हम लेंगे बेसन खुश्क धनिया लेंगे एक खाने का चम्मच मैदा लेंगे तीन खाने के चम्मच और अनारदाना लेंगे एक खाने का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा लेंगे एक खाने का चम्मच नमक हंसबे ज़रूरत हल्दी आधा खाने का चम्मच अजवाइन आधा खाने का चम्मच सुरख मिर्च एक खाने का चम्मच और कुटी लाल मिर्च एक खाने का चम्मच तो चलिए इसके मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं बेसन और इसके साथ हम मैदा शामिल करेंगे ताकि ये पकौड़े क्रिस्पी बन सकें खुश्क साबित धनिया हाथ से मसल के शामिल करेंगे नारदाना शामिल करेंगे और बाकी मसाले जात भी हम इसमें शामिल कर देंगे ये ब्रोकली हेल्थ वाइज बहुत अच्छी होती है और ज़्यादातर ये सर्दियों की सब्ज़ी है इसे लोग पकौड़ों के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी भी इसकी बना के इस्तेमाल करते हैं अब पानी शामिल करके इसे मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे ब्रोकली हाई फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती है ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और ये स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदा मंद होती है इसमें विटामिन ए और सी काफ़ी मकदार में पाया जाता है इसे ज़्यादातर वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है लोग इसका जूस भी बनाकर पीते हैं ऑयल गरम हो चुका है अब पकौड़े इसमें फ्राई होने के लिए डालते जाएंगे और इसे हल्की आंच पे हम पकाएंगे क्योंकि ये ब्रोकली जो है जलना शुरू हो जाती है अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगती है तो इसे पूरा देखिएगा ये हो चुके हैं इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ब्रोकली के पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू खुदाफिज़